महाराष्ट्र में नया सियासी संकट देखने को मिल रहा है। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार गिर जाएगी। इन कयासों की वजह अजीत पवार है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग के बाद उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे और अजीत पवार के विधायकों में घर वापसी की बेचैनी है। इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ा दी है। देश में तो लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए की मिलीजुली सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। केंद्रीय कैबिनेट का गठन होते ही महाराष्ट्र से विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि विधानसभा के चुनावों से पहले बीजेपी के हाथ से प्रदेश की सत्ता की चाबी निकल सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के 44 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो घर वापसी करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये 44 विधायक बगावत कर भी देते हैं तो इससे एनडीए की सरकार को कितना नुकसान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो बहुमत के लिए 144 का जादुई आंकड़ा पार करना जरूरी है। इस वक्त राज्य में बीजेपी के पास 103 सीटें, तो वहीं एनसीपी अजित पवार के पास 40 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 48 विधायक हैं। अन्य दलों की सीटों को जोड़ने के बाद एनडीए के खाते में 203 विधायक होते हैं। ऐसे में अगर एनडीए के 40 विधायक टूट भी जाते हैं तो भी मौजूदा सरकार बहुमत के आंकड़े से 19 सीटें आगे रहेगी। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये 40 विधायक एनडीए में अपने भविष्य को लेकर चिंतित क्यों हैं और वे घर वापसी क्यों करना चाहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव से निकले जनता के मूड को भांप कर शिंदे और अजित के विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है। इसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को राज्य की 288 विधानसभा में 150 पर लीड मिली है, इसलिए ये तमाम विधायक अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। ये तो बात रही महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़ों की, लेकिन बीजेपी के लिए एक और सिरदर्द भरी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बाद अचानक अजीत पवार के सुर बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट को मिली करारी हार और कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिलने के बाद अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की तारीफ की है। शरद पवार की तारीफ करते हुए अजित पवार ने उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद दिया है। कैबिनेट गठन के बाद अजित के इस बयान से उनकी बीजेपी से बढ़ती दूरी दिखाई दे रही है। हालांकि मोदी कैबिनेट में हिस्सा नहीं मिलने के बावजूद अजित पवार ने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा रहेंगे। बता दें कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को कैबिनेट मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, जबकि उन्हें राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था। शिवसेना शिंदे गुट ने तो ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन अजित पवार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। शिवसेना के कुछ नेता इसे लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं। शिवसेना का कहना है कि जब एक सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री पद दिया जा सकता है, तो 7 सीटें जीतकर आने के बावजूद उनके साथ सौतेला बर्ताव क्यों किया गया। शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के इन बयानों को विधानसभा सीट शेयरिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी सीटों के बंटवारे में हावी ना हो, इसलिए शिवसेना अभी से अपना रुख साफ करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी अजित पवार ने भी बीजेपी से विधानसभा की 80 से 90 सीटें मांगी हैं। ऐसे में अभी से दिखाई हुई आक्रामकता सीट शेयरिंग में दोनों दलों के काम आ सकती है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।